विद्यार्थियों, मैं सिंबुराम, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय अट्रू 12। प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम अनुवाद की आवश्यकता, अनुवाद की प्रमुख शैलियां और अनुवाद की प्रक्रिया का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम अनुवाद की आवश्यकता। अनुवाद की कहां आवश्यकता पड़ती है? पहला बिंदु, कला संवर्धन। साहित्य एक कला है और अनुवाद का प्रत्येक संबंध साहित्य से है, अतः अनुवाद भी एक कला है। अनुवाद का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान यह है कि उसमें रचनात्मक कला को एक नए आयाम दिए हैं और उसके स्वरूप को व्यापक और समृद्ध बनाया है। अनुवाद कला के अधिक लोकप्रिय होने से पहले साहित्य कला में केवल कविता, गद्य निबंध, कहानी, नाटक आदि ही स्वीकार किया जाता था, परंतु आज अनुवाद कला भी साहित्य कला का ही एक महत्वपूर्ण अंग है। दूसरा, ज्ञानार्जन। अनुवाद कला ज्ञानार्जन की दृष्टि से भी पर्याप्त महत्वपूर्ण है। विज्ञान, तकनीक, अंतरराष्ट्रीय राजनीति, खगोल शास्त्र आदि समकालीन महत्वपूर्ण विषयों पर विश्व में भिन्न भिन्न भाषाओं में अनेक रचनाएं लिखी गई हैं, परंतु सभी मनुष्य सभी भाषाएं नहीं जानते हैं। ऐसी स्थिति में वे केवल संबंधित भाषा के ज्ञात लोगों के लिए ही ज्ञान का स्रोत बनकर रह जाती है। आज अनुवाद कला ने इस प्रकार की रचनाओं की सीमाओं को तोड़ दिया है। अनुवाद के माध्यम से अन्य भाषाओं के ज्ञाता भी, पाठक भी उन रचनाओं में निहित ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा, अंतरराष्ट्रीय एकता। अनुवाद कला ने अंतरराष्ट्रीय एकता स्थापित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज अनुवाद के माध्यम से एक देश का व्यक्ति दूसरे देश की भाषा को समझ पाता है, उससे विभिन्न देशों के बीच संप्रेषणीयता बढ़ी है और वैचारिक सामंजस्य भी स्थापित हुआ है। आज अनुवाद कला के माध्यम से ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न महत्वपूर्ण राजनीतिक समझौते हो रहे हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय एकता की स्थापना में भी सहायक है। अगला, विदेशी भाषाओं से संपर्क। मनुष्य स्वभाव से ही ज्ञान पिपासु होता है, उसमें अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करने की जन्मजात लालसा होती है। जब तक अनुवाद कला अधिक विकसित नहीं हुई थी, तब तक ज्ञानार्जन की प्रक्रिया प्रत्येक मनुष्य के लिए उसकी मातृभाषा तक ही सीमित थी, परंतु आज जबकि यह कला अत्यधिक विकसित हो चुकी है, तब मनुष्यों के लिए इसके माध्यम से अन्य भाषाओं के साहित्य का ज्ञान प्राप्त करना भी सहज और सरल हो गया है। सांस्कृतिक निकटता। प्राचीन काल में जब आवागमन के तीव्रगामी साधन विकसित नहीं हुए थे, तब मनुष्य केवल अपनी संस्कृति से ही परिचित रहता था और वह यह मानता था कि उसकी संस्कृति ही विश्व में श्रेष्ठ है। आज विज्ञान की प्रगति के साथ साथ आवागमन के तीव्रगामी साधनों का भी विकास हो चुका है, तब विश्व की सभी संस्कृतियां एक दूसरे के निकट आई हैं। इस संपर्क से विभिन्न संस्कृतियां एक दूसरे के गुणों और अवगुणों को पहचान रही है और श्रेष्ठ गुणों को ग्रहण भी कर रही है। अगला बिंदु, विविधता में एकता की स्थापना। अनुवाद कला विविधता में एकता स्थापित करने में भी सक्षम रही है। उदाहरण के लिए, भारत में अनेक भाषाएं, अनेक धर्म और अनेक संप्रदाय प्रचलित हैं। अनुवाद कला के माध्यम से भारत के विविध प्रांतों के व्यक्ति परस्पर भाषाओं को समझ पाते हैं, उनके धर्म, संप्रदाय और विशिष्टताओं से परिचय उनका होता है। अगला, अनुवाद की प्रमुख शैलियां। आज साहित्य जगत में अनुवाद की अनेक शैलियां प्रचलित हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख निम्नलिखित हैं। पहली, शब्दानुवाद। इस शैली में हर शब्द दर शब्द अनुवाद किया जाता है, अर्थात एक भाषा के शब्द के स्थान पर दूसरी भाषा के शब्दों को रख दिया जाता है। इसमें न तो स्रोत भाषा और न ही लक्ष्य भाषा की प्रकृति का ध्यान रखा जाता है। दूसरा, भावानुवाद। कुछ लोग भावानुवाद कुछ आयानुवाद जैसा ही मानते हैं, लेकिन दोनों में काफी अंतर है। भावानुवाद में मूल या स्रोत भाषा के शब्द स्थान पर लक्ष्य भाषा का पर्याय रखते समय विचार संप्रेष्य का भी ध्यान रखा जाता है। इसके साथ साथ पात्र परिवेश भी लगभग वैसे ही रहते हैं। इस प्रकार का अनुवाद मूल के समान सुबोध, सुपाठ्य और बोधगम्य होता है। तीसरा, छायानुवाद।
इस प्रकार के अनुवादों में प्राय अनुवादक पात्रों, नगरों आदि के नामों को देश काल के अनुरूप लक्ष्य भाषा की अंदर सुविधा अनुसार परिवर्तन कर देता है। इसका उद्देश्य पाठक को स्रोत भाषा की संस्कृति अथवा परिवेश से परिचित कराना नहीं, वरन पाठक मूल की भाषा से अनभिज्ञ हैं, उन पर रचनाओं का आस्वादन करना भी होता है। अगला सारानुवाद। यह मूल कृति का दूसरी भाषा में संक्षिप्त अनुवाद होता है। अनुवाद की शैली का प्रयोग प्राय समाचार पत्रों के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। टीकानुवाद, यह व्याख्यानुवाद भी कहलाता है। इससे तात्पर्य स्रोत भाषा की बात को लक्ष्य भाषा में समझाना है। जैसे संस्कृत ग्रंथों के अर्थ को हिंदी में समझाने के लिए प्राय इस शैली का सहारा लिया जाता है, यह अनुवाद प्राय मूल रचना के साथ दिया जाता है। अंतिम वार्तानुवाद, इसे तात्कालिक भाषांतर भी कहते हैं। दो भिन्न भाषा भाषियों के विचारों को तत्काल उनकी भाषा में समझाना अथवा बताना ही वार्तानुवाद कहलाता है। वार्तानुवादक को दुभाषीय की संज्ञा भी दी जाती है। महत्वपूर्ण राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक वार्ताओं का त्वरित अनुवाद दुभाषीय करता है। अगला अनुवाद की प्रक्रिया। स्रोत या मूल भाषा के विचारों को लक्ष्य भाषा में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया अनुवाद प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया शब्द से अर्थ और पुनः अर्थ से शब्द तक पहुंचने की प्रक्रिया है। एक सफल अनुवादक अपनी प्रतिभा और भाषा अधिकार के बल पर इस प्रक्रिया से गुजरता हुआ सुंदर और एक श्रेष्ठ अनुवाद प्रस्तुत करता है। इसके तीन चरण हैं। पहला, अर्थबोध। अनुवाद प्रक्रिया में सर्वप्रथम स्थान शब्द के अर्थबोध का है। दूसरे शब्दों में अनुवादक को अनुवाद्य कृति के शब्दों और वाक्यों के माध्यम से उसके प्रतिपाद्य को आत्मसात कर लेना चाहिए। दूसरा, संप्रेषण। अनुवाद कथन का पुनः कथन अथवा पुनः सर्जन का पुनः सर्जन है। अतः अनुवादक को रचना का वर्ण्य भली भांति अवगत कर लेने के अनंतर उसे अनुवाद कार्य के माध्यम से संप्रेषणीय बनाना होता है। इसे उसे भाषाविद होना चाहिए, उसका दोनों भाषाओं पर समान अधिकार होना चाहिए। और अंतिम पुनरावलोकन। अर्थबोध और संप्रेषण के अनंतर अनुवादक को अनुदित कृति का पुनरावलोकन कर लेना चाहिए और उसे विशेष रूप से विश्वस्त होना चाहिए कि मूल कृति का कोई न कोई अंश छूट नहीं गया है और ना ही उसमें कुछ जोड़ा गया है। धन्यवाद।